एक बार फिर से 10th क्लास के बच्चों का स्वागत। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 गिवन दैट 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू को स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। ओके, तो ये मेरे को प्रूव करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। अब कोट ए दिया हुआ तो मैं लिखता हूं इसको कोट ए। ओके, कोट ए इज इक्वल टू 4 बाय 3। अब देखेंगे 4 बाय 3 कोट ए का ही बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका ए बी, ये मैंने ए बी ओवर परपेंडिकुलर कितना बेटा बी सी, ठीक है ना। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू 4 एंड बी सी इज इक्वल टू 3। BC इज इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने। ओके, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया AB इज इक्वल टू 4 और BC इज इक्वल टू 3। वी हैव टू फाइंड आउट दिस। इसमें फिर आ गया आपका करंट निकालना फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। ये हर बार में करना पड़ेगा आपको फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अभी क्या होता है करंट का वर्ग, जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी कितना बेटा, व्हाट इज गिवन ए सी पता नहीं है, रहने दो फिर। और उसके बाद क्या है, ए सी के बाद हमारे पास ए बी कितना है 4 का स्क्वेयर लिख दो, बी सी कितना है 3 का स्क्वेयर लिख दो। तो 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9, 16 एंड 9 कितना हो गया 25। यू कैन गो थ्रू ए सी, व्हाट इज ए सी स्क्वेयर रूट ऑफ 25, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये आ गया आपके पास 5। नो यू हैव ओके। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले हम ये करते हैं, रफ वर्क में करना रफ वर्क में कर लो या डायरेक्ट करना तो कर लो। टेन ए कोस ए साइन ए इनकी वैल्यू चाहिए मेरे को। तो व्हाट इज टेन ए, वैसे तो कोट ए इज इक्वल टू 4 बाय 3 तो टेन ए इज इक्वल टू 3 बाय 4, यहां से क्लियर है इसका रेसिप्रोकल होता है 3 बाय 4, ठीक है ना। साइन ए, व्हाट इज साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना आपके पास 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 3 ओवर 5। एंड कोस ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 4 बाय 5, ये वैल्यू होगी, ठीक है। एक साइड में किसी में पुट कर दो, या तो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, या पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वेयर ए और 1 प्लस 10 स्क्वेयर। ओके, क्लियर। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 10 स्क्वेयर 3 बाय 4 का स्क्वेयर ओवर 1 प्लस 3 बाय 4 का स्क्वेयर। तो दैट इज यू कैन राइट इट एज ए 1 माइनस 9 बाय 16 और 1 प्लस 9 ओवर 16, ठीक है ना। स्क्वेयर किया 3 का स्क्वेयर 9 और 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9 और 4 का स्क्वेयर 16। एलसीएम लेंगे इसके नीचे, इसके नीचे 16 एलसीएम आ गया। यू कैन राइट इट एज 16 ओवर 16 माइनस 9 ओवर 16 प्लस 9 ओवर 16। तो दिस इज इक्वल टू 16 में से 9 गया, और 16 प्लस 9 25 ओवर 16। कैलकुलेट करो इसको आगे, फिर 7 ओवर 16 इंटू 16 ओवर 25, कैंसल आउट 7 ओवर 25। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, मैं यहां पे करता हूं राइट हैंड साइड। क्वेश्चन देखे कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ओके, तो राइट हैंड साइड पे क्या था, साइन कोस्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए,
अब यही वैल्यू हम लोग इसमें पुट अप करते हैं, कोस्केर राइट हैंड के कोस्केर ए माइनस है स्क्वेयर। अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ हो रही है लाइन लगा सकते हो तो साइन स्क्वेयर ए बेटा आप क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वेयर ए कितना है आपके पास, कोस ए फोर ओवर फाइव, फोर ओवर फाइव का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थ्री ओवर फाइव का स्क्वेयर, कैलकुलेट करो 16 ओवर 5 25 सॉरी माइनस 9 ओवर 25 एलसीएम लिया 25 आया 16 माइनस 9 कर दिया ये कितना आ गया 16 माइनस 9 गया 7 7 ओवर 25 दैट इज योर आई थिंक यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस द रिजल्ट अतः सिद्ध होता है ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा था पर आप जब करते जाते हो तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। सारे क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस के द्वारा कर रहे हैं, अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं समझ आ रहा है यू कैन गो थ्रू कमेंट बॉक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके मिलते हैं ब्रेक के बाद।